दिस इज उमेश अरोड़ा फ्रॉम कैट केम सोल्यूशन मेरिट, और आज हम लोग एक मॉडल बनाने वाले हैं एनएक्स कैट के अंदर। तो उसके लिए मैंने एक नई फाइल खोल ली है और यूनिट जो है हमारी मिलीमीटर में है, और इसे हम क्लिक करते हैं डायरेक्शन। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस टाइप की अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। ये एक लाइन मैंने बना ली है और इस लाइन को मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। इसे क्लिक करके रखेंगे, लाइन को क्लिक करिए और कर देते हैं इसे हम फॉर रेफरेंस, और असाइन कर दीजिए इसे कॉन्सिडेंस रहेगा ये लाइन के साथ और जिप पे, और बहुत छोटी लेंथ लेने वाले हैं तो डबल क्लिक किया और ये होगा 1.5 का। फिनिश करते हैं इसको, इसके पास में रखता हूँ, जूम करिए, ये कुछ ऐसा है। अब करते हैं हम स्टार्ट, यहाँ से क्लिक किया मैंने एक लाइन, और थोड़ा सा आगे जाएंगे यहाँ से, और फिर थोड़ा सा ऊपर चलिए, और फिर करना पड़ेगा लाइन दोबारा से लेंगे, यहाँ से क्लिक किया, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, फिर इस तरफ चलेंगे, और ये लाइन मैं पूरी लेता हूँ ऐसे, और अब मुझे चाहिए यहाँ पे एक आर्क, क्लिक और ये क्लिक, और ठीक है टेंजेंट हो गया। यहाँ से ये ले लिया, एक काम करते हैं पहले इक्वल रेडियस कर देते हैं, फिर एक और आर्क ले लेते हैं, अब लेते हैं यहाँ से टेंजेंट, ये दोनों टेंजेंट हो चुकी हैं लाइनें। अब आती है बारी डायमेंशन की, इसे डबल क्लिक किया और करते हैं इसे 0.1, और इसे डबल क्लिक करिए, इसे कर देते हैं 0.1, इस तरीके से कुछ आ जाएगा, और क्लोज करिए, और यहाँ से मैं लेता हूँ रैपिड, और क्लिक, ये जो डिस्टेंस है 0.2, ये 0.2 हो गई है, और ये जो मिडल का पॉइंट है ये वाला, ये मिडल बेसिकली है नहीं लगता है, नहीं मिडल है, और ये इसके साथ कॉन्स्टेंस, यहाँ तक हो गया है। ठीक है, और एक डिस्टेंस हमें और देनी है 0.6 की, तो यहाँ से लेंगे ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसके बीच में आप दे देंगे 0.6, ताकि जो हमारे डिज़ायर शेप है वो प्रॉपरली आ पाए। ये हमारा ऑलमोस्ट बन गया है। अब इसके बाद मैं यहाँ से एक लाइन लेता हूँ, क्लिक, इधर की तरफ चलेंगे और ऊपर जाएंगे, और यहाँ से अब हमें डायमेंशन करनी है, ये जो है यह है हमारा 1, और यहाँ से मिडल से, यहाँ से लीजिए रैपिड ये लाइन, और ये मिडल वाला इसे क्लिक करते हैं, ये होगा 1.25, और यहाँ से लेते हैं फिलेट, और फिलेट लेते हैं 0.3 का इसके, और इसके जो 0.3 का रेडियस, तो ये स्केच मेरा बन गया है। और ये लाइन रेफरेंस में कन्वर्ट कर दीजिए, ये इस टाइप से कुछ मेरा आ चुका है, इसे मैं करता हूँ यहाँ से फिनिश। अब यहाँ से हम लेंगे रिवॉल्व, रिवॉल्व में कनेक्टेड कर दीजिएगा आप, सिंगल कर ले लीजिएगा, और मैं रिवॉल्व करना चाहता हूँ,
एक्टर आर ओके, यानी जो फर्स्ट शेप है वो मैंने ये बना ली है। अब मेरे को क्या करना है, मुझे लेना है एक डाटम प्लेन, यहाँ से क्लिक किया और रिवर्स साइड में, और ये आएगा गैप 1.5 का हाफ 0.75 और पिंच। अब मुझे इसमें चाहिए एक हेलिक्स, तो मैं कर्व्स में जाता हूँ और यहाँ से आते हैं हेलिक्स। हेलिक्स के लिए मैं लेता हूँ नाइटिंग एंगल और इसे लेते जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ से हमें डालनी है वैल्यूज, ये स्टार्टिंग एंगल 0 और वैल्यू, ये जो डायमीटर है वो डायमीटर हमें गिवन है 1 का, और पिच, पिच हमें लेनी है 1.5, और यहाँ से जो लिमिट है ये है -1.5। प्लस में रहेगा 1.5। ये देखिए कुछ स्टेप्स हमारे कर आ जाएगा, इसे ओके करता हूँ। और ओके करने के बाद एक लाइन मेरे को मिलानी है, तो आप लाइन यहाँ से भी ले सकते हो, वहाँ से भी बना सकते हैं, यहाँ से हम जनरली बनाते हैं। और यहाँ से मैं लेता हूँ पॉइंट और क्लिक किया मैंने, ये मेरा पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ये दोनों को मैंने मिला दिया ओके। लिमिट 0.5 आ रही है, ठीक है, ये सही है, इसे ओके कर दीजिए, ये मैंने बना दिया। फिर से लाइन लेता हूँ और ये सेंटर से, ये सेंटर मैंने एक लाइन और बना दिया। अभी इसे आप चाहें तो हाइड कर दीजिए, हाइड हो जाएगा, ये मेरे पास आ गया। अब थोड़ा जूम करते हैं, और जूम करके मैं यहाँ से सरफेस में जाऊँगा और सरफेस में जाकर लेते हैं स्वैप्ट। स्वैप्ट में मेरा क्रॉस सेक्शन है ये पूरा एक साथ आ गया है, ये ध्यान रखिएगा। शिफ्ट के साथ डिसलेक्ट और कनेक्टेड कर्व इधर सिंगल कर्व लेंगे और क्लिक किया, ये है मेरा। और यहाँ से अब लेते हैं गाइड, पहला गाइड मेरा ये है और क्लिक ऐड, दूसरा गाइड ये है, तो इसे यहाँ पे क्लिक करके फ्लिप करे दो। ये देखिए अगर अभी हम देखें इसे तो ये प्रॉपरली नहीं आ रहा है, तो इसे मैं कैंसिल करता हूँ और एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ से लेते हैं स्वैप्ट, क्लिक, साथ में आ रहा है, डीसेलेक्ट, क्लिक, डीसेलेक्ट, कनेक्टेड कर लेंगे, सिंगल कर लेंगे और क्लिक करिए। फिर गाइड लेते हैं, तो पहला गाइड मैं इसे लेता हूँ, ये पूरा सेलेक्ट हो रहा है, यहाँ से रखें सिंगल कर और फर्स्ट गाइड एंड देन सेकंड गाइड, अभी भी ठीक नहीं आ रहा जैसा मुझे चाहिए, तो मैं इसे एक बार दोबारा से लेना चाहता हूँ। स्वैप ले रहे हैं, तो पहला ये मेरा सेक्शन हो जाएगा। फिर गाइड में जाता हूँ और गाइड मैंने ये लिए, ये एरो इधर से आ रहा है, फिर क्लिक करते हैं और सेकंड मेरा इंफ्रा कर में सिंगल कर और सेकंड मेरा ये होना चाहिए, तो देखिए कुछ इस टाइप से आ गया है। ओके कर देते हैं, और जो हमने हाइड किया था रिवॉल्व इसको भी शो कर दीजिए। और अब हमें यहाँ से लेना पड़ेगा इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट क्या करेगा, दोनों के बीच में जो कॉमन है उस कॉमन कर्व को जनरेट कर देगा। तो यहाँ से कर्व्स में जाएंगे, इंटरसेक्शन कर्व और फर्स्ट फेस ये और सेकंड और ओके, तो देखिए इसे कर देते हैं हाइड, कर्व को भी हाइड कर दीजिए, इसे भी हाइड कर देते हैं। अब इस वाले पे जाके मुझे एक सर्कल चाहिए, तो स्केच लेते हैं
आर प्लेन लिया आर, ओके हल्का सा घुमा लीजिएगा सर्कल, सेंटर है ये, सॉरी ये स्टार्ट पॉइंट सर्कल का, अच्छा ठीक है ये यहीं पे है अपोजिट दिख रहा है, और इसका जो रेडियस है जो हम सर्किल ले रहे हैं ये है 0.1, इसे कहते हैं हम फिनिश। फिर से जाएंगे और यहाँ से लेंगे स्वैप, स्वैप में इस बार सेक्शन मेरा ये है और गाइड है मेरा सॉरी रिमूव करना पड़ेगा, शिफ्ट के साथ डिसलेक्ट, थोड़ा सा ही ठीक नहीं आ रहा है ये क्योंकि इलेक्ट्रिकल से बन गया है तो, और ये आगे तक मैच भी नहीं कर रहा है तो इसे मैं एक बार रीसेट करता हूँ, एक बार फिर से लेके देखते हैं और कुछ अलग ऑप्शन यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो सेक्शन ये है मेरा और गाइड, गाइड में मैं चेंज करके लेता हूँ टेंजेंट का और इसे क्लिक करते हैं तो टेंजेंशियल ये आ गया और ये इस बार एंड तक भी आ रहा है, ओके ये हमारी शेप आ गई है। इस शेप को बनाने के बाद अब मेरे को क्या करना है, इससे स्वीप जो हमने किया है इसको करेंगे पैटर्न, तो इसको सेलेक्ट करें और होम पे जाके मेरे पास यहाँ पे पैटर्न और सर्कुलर में ये मेरा एक्सेस हो गया और 6 मेरे को चाहिए और ओके कर देते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन इसे कर देगा, कुछ स्टेप्स आ गया। ये लाइन हमारी थोड़ी सी रहती है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जो सेक्शन है ये ठीक है, ये ऐसा आ जाएगा और इसके बाद हमें क्या करना है, एक सर्कल लेना है ताकि हम इसको दोबारा से स्वीप कर पाएँ, तो इस वाले प्लेन पर जाएंगे और इस पर जाके स्केच करेंगे, एक सर्कल लीजिए और सर्कल इतना बड़ा होना चाहिए, सर्कल कुछ इतना बड़ा होना चाहिए कि वो इन्हें कवर कर ले, या तो आप टच करा लीजिए कोई इशू नहीं है, टच हो जाएगा तो भी चलेगा। और फिर से हम वही यूज़ करने वाले हैं, यहाँ स्वीप अलोंग गाइड भी यूज़ कर सकता हूँ मैं, क्लिक और गाइड और ओके, इसको आप मिरर करना चाहते हैं अपोजिट साइड, इसे सेलेक्ट करेंगे और मोर में जाके यहाँ से मिल जाएगा मिरर फीचर, प्लेन हमारा ये है और ओके करते हैं, देखिए ये लेंथ कुछ थोड़ी सी रह ही रही है। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहता हूँ तो यहाँ से आप ले लीजिए मूव फेस और इस डिस्टेंस को मैं डाल देता हूँ कुछ आइडिया ऐसे लग रहा है मुझे 0.2 का, आप प्रीव्यू 0.2 ज़्यादा है 0.1 और ओके, बाकी सारे लाइंस को कर्व्स को हाइड कर दीजिए। सो फ्रेंड्स आपको ट्यूटोरियल प्रॉपरली समझ में आ गया होगा, इस टाइप से आ गया, टू शेडिंग में लेते हैं और यहाँ से कुछ मेटलिक कलर ऐसा अप्लाई कर दीजिए
तो आप देख लीजिएगा जैसा भी आपको ठीक लगता है। तो होप फ्रेंड्स आपको ये ट्यूटोरियल प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ इस टाइप के अच्छे वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।